ब्राह्मण देवता यहाँ क्यों आ गए? महाराज कृष्ण से मिलने आया हूँ। महाराज कृष्ण से? हाँ, मैं उनका बाल सखा हूँ सुदामा। आप उनसे कहिए सुदामा मिलने आया है, वो अवश्य मुझे पहचान जाएंगे। आपका संदेश भेज दिया गया है, आपको कुछ देर प्रतीक्षा करनी होगी। ये लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? लगता है इन्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है। जब वो द्वारपाल मेरी वेशभूषा कृष्ण को बताएगा तो शायद वो मुझे पहचाने ही ना। मुझे यहां नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। मैं बेकार ही यहां चला आया, कहां मैं दरिद्र और कहां कृष्ण द्वारिकाधीश। मेरा उनका मेल ही क्या? कृष्ण मेरे मित्र। मित्र, मैत्री ऐसी होती है। क्या हुआ? हमसे मिलने आए और बिना मिले ही वापस जा रहे हो और फिर पूछते हो क्या हुआ? मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर दो। दिल भी दुखाते हो और क्षमा भी मांगते हो। कृष्ण सखा। सुदामा मेरे मित्र। अरे नंगे पांव ही चले आए। तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हो गया था। क्षमा करो कृष्ण, मैंने तुम्हें गलत समझा था। तो ठीक है, अब घर चलो। तुम्हारी भाभियां रुक्मणी और सत्यभामा तुम्हारे दर्शन करने को उत्सुक हैं। ये चरणामृत सारे घर में छिड़क दो। इसे ले जाकर कुएं, तालाब और नदियों में प्रवाहित कर दो। जेठ जी, भोग लगाइए। सुदामा, मित्र सुदामा, क्या छुपा रहे थे? कुछ नहीं। अवश्य भाभी ने मेरे लिए कोई भेंट भेजी है जो तुम अकेले ही उड़ाना चाहते हो। लाओ, इधर लाओ। अरे वाह, मेरे मनपसंद भुने हुए चावल मुझसे छुपाकर खाना चाहते थे। नहीं, ये बात नहीं, ये साधारण चावल। इस अनुपम भेंट को तुम साधारण कह रहे हो? अरे इनका मोल तो सृष्टि के तीनों लोकों से भी अधिक है। इनके बदले में तुम्हें तीनों लोक दे सकता हूं। इस प्रेम भेंट में क्या स्वाद है। हाँ? प्रभु ने एक मुट्ठी चावल के बदले एक लोक दे दिया। प्रभु ने तो दूसरा लोक भी दे दिया। अरे बस भी करो, जेठानी जी की भेजी हुई भेंट आप स्वयं ही खाएंगे क्या? थोड़ा स्वाद हमें भी लेने दो, एक मुट्ठी हमारे लिए भी छोड़ दो। प्रेम की भेंट में अलौकिक आनंद होता है। प्रभु, ये जितना काम से जी चुराता था
काम उतना ही इसके सामने आकर खड़ा हो जाता था। एक बार गुरुकुल में गुरु पत्नी ने कहा, सुदामा जाओ वन से लकड़ियां ले आओ, नहीं तो संध्या को भोजन नहीं बनेगा। इसकी अवस्था देखने योग्य थी। वो तो अच्छा हुआ तुम साथ आ गए। भयंकर वर्षा के कारण सारी रात हमें वृक्ष पर बैठकर व्यतीत करनी पड़ी। उस रात की याद आती है तो शरीर अब भी ठंड से थरथराने लगता है। कहीं जा रहे हो? हाँ, बच्चों की चिंता लगी हुई है। हमें देने के लिए यहाँ कोई भेंट इत्यादि तो दिखाई नहीं दे रही। क्या देख रहे हो सुदामा, कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं, ऐसे ही देख रहा था। अच्छा अच्छा, मैं अभी आई। लगता है रुक्मणी भेंट लाने गई है। क्या देख रहे हो मित्र, कुछ चाहिए तो बताओ ना। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा चलता हूं। पूछते रहते हैं कुछ चाहिए क्या, कुछ देते क्यों नहीं, मैं स्वयं कैसे मांगूं। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूं। क्या सोच रहे हो मित्र? कुछ नहीं कुछ नहीं। आते रहना, पहले की तरह भूल ना जाना। नहीं नहीं, आऊंगा अवश्य आऊंगा। अच्छा प्रणाम। प्रणाम। अब मैं पत्नी से क्या कहूंगा, बच्चे पूछेंगे क्या लाए तो क्या कहूंगा। मैंने भी तो कुछ मांगा ही नहीं। अरे मुझे ना देते, बच्चों के लिए तो स्वयं कुछ देना चाहिए था। मैंने भी कितने गर्व से कहा था कृष्ण राजा हैं। अरे कुछ नहीं दिया तो क्या हुआ, उन्होंने मुझे गले लगाया, आदर सत्कार किया, मेरे लिए यही बहुत है। अरे मेरी झोपड़ी कहाँ गई? ये विशाल भवन किसने बना दिया यहाँ पर? मेरे घर वाले कदापि कहीं चले गए और किसी व्यापारी ने यहां अपना भवन बना लिया। माँ, माँ, माँ। अरे क्या है, ठीक से बात भी नहीं करने देती। हाँ इसके पास इतने अच्छे कपड़े कहां से आए, क्या इसने दूसरा ब्याह कर लिया? कर लिया हो तो उसका जीवन सुख से तो कटेगा। मैं भी वन में जाकर तपस्या करूंगा। माँ, पिताजी। अरे कहाँ जा रहे हो, रुको। कहाँ जा रहे थे तुम? तुम रो रहे हो, चलो घर चलो। कौन से घर, किसके घर? अपने घर, ये अपना ही तो घर है। अपना घर, ये कैसे बन गया? कृष्ण चाहे तो क्या नहीं हो सकता। पर वो तो हर पल मेरे साथ थे। वो भगवान है, उनके अनेक रूप हैं। अर्थात कृष्ण ने बनवाया? हाँ, तुम गए और तुम्हारे पीछे उन्होंने यहाँ ये लीला दिखा दी। मुझे खाली हाथ भेजने के उलझावे में रखा और यहाँ। भगवान तुम्हारी लीला न्यारी है, आप धन्य हैं।
प्रभु तेरी लीला अपरंपार है, तेरी माया को कोई नहीं समझ पाया, तो मैं मंद बुद्धि कैसे समझ सकता था। प्रभु अब इतनी कृपा और करना कि मेरा मन इस माया में लिप्त ना हो जाए।